अगर आपके घर में कोई पालतू कुत्ता है तो आप आगाह हो जाएं। आप जान लें कि कुत्ते के काटने से नहीं बल्कि उसके चाटने से भी रैबिज हो सकती है। आज हम आपको ले चलते हैं पिनहट के मोहल्ला खटिक टोला में, जहां एक युवक के पैर में चोट लगने से हुए घाव को उसके पालतू कुत्ते ने काट लिया। इससे युवक को रैबिज हो गया। परिजनों ने खूब इलाज कराया मगर वे युवक को बचा नहीं सके। युवक ने 30 दिन में ही दम तोड़ दिया। युवक की मौत से घर वाले अवाक में हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या, क्यों उनका दुलारा हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया। पिनहट के मोहल्ला खटिक टोला में एक युवक के पैर में लगे घाव को कुत्ते के चाटने से रैबिज फैल गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कस्बा पिनहट निवासी जीतू पुत्र मित्रपाल उम्र 18 वर्ष को 1 महीने पूर्व पैर में चोट लगने के कारण घाव हो गया था। घाव को उसके कुत्ते ने चाट दिया था, यह जानकारी उसके परिजनों ने दी। और आपको बता दें कि युवक ने रैबिस का इंजेक्शन भी नहीं लगवाया था। वही युवक का अन्य बीमारी के चलते आगरा के डॉक्टर से इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान रैबिस के सिम्टम्स डॉक्टर को दिखाई देने पर पूछा तो युवक ने बताया कि 1 माह पूर्व उसके कुत्ते ने पैर के घाव को चाट लिया था, लेकिन रैबिस इंजेक्शन नहीं लगवाया था। युवक के शरीर में रैबिस पूरी तरह फैल जाने की वजह से बृहस्पतिवार को युवक की हालत बिगड़ गई थी। परिजनों ने उसे आगरा ले जाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इसी संदर्भ में पिनहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि CHC और PHC पर रैबिस इंजेक्शन भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। युवक ने रैबिस इंजेक्शन नहीं लगवाया था, रैबिस फैलने की वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल अभी परिवार के लोगों को भी रैबिस के इंजेक्शन लगवा दिए गए हैं। सी न्यूज के लिए नीरज परिहार की रिपोर्ट।